बनती है, उसी तरह से किसी भक्त ने श्रद्धा पर यह फिल्म बनाई है और फिल्में दुआओं से बनती है और मैसेज एक बनाया है फिर और हट के फिल्म बनी है और इसके जो भक्त हैं, जो मुरीद हैं, तो वो फिल्में देखने आ रहे हैं और हर जगह इसके शोज जो है तो फुल हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ मेरा मैम, इसका प्रोमो मैंने देखा था फिल्म का, गृहलक्ष्मी जो संजय तलवार जी ने बनाई है सहज के ऊपर, सहज मेडिटेशन के ऊपर। लोगों को ज़्यादातर मिराकल्स पसंद आते हैं जीवन में होने वाले, ये उसी तरीके की एक फिल्म है जो मिराकल्स बताए, लेकिन मिराकल्स है लोगों को समझ में नहीं आ गया कि उसका कारण क्या है। हमारे अंदर जो श्री कुंडलिनी नाम की जो शक्ति रहती है, जो प्राइमर्डियल पावर जो होती है या ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वही हमारे अंदर स्थित है, इसको जागृत करने के, उसके ऊपर मेडिटेट करने के बाद में वो तुम्हारे शुद्ध इच्छा के ऊपर वो जागृत होती है। वो अपने आप स्वयंचलित शक्ति है जो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के बाद ही आपके जो प्रश्न है या आपके जो डाउट्स है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं और आपका कनेक्शन बनता है। और कनेक्शन बनने के बाद ही जो मिराकल्स घड़ते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मिराकल के ऊपर जो लोग गुरुओं के पास दौड़ते हैं, अरे वो गुरु मिराकल करता है, ये मिराकल करता है, मिराकल कुछ नहीं होता है, स्वयं में जो शक्ति है उसको जागृत करने के बाद में वो सर्वव्यापी शक्ति से मिलते हैं, ऑल प्रोवाइडिंग पावर से मिलती है, तभी वो यूनियन होता है, तभी कनेक्शन होता है, तभी अपने आप। तो ये फिल्म जो है वो ये इतना गहरा असर करेगी आपके ऊपर कि आपके अंदर क्या शक्ति है वो फिल्म के बाद में, शो के बाद में लोगों को वो आत्मसाक्षात्कार जो होता है कि आपको वो अनुभव दिया जाएगा कि आपके अंदर शक्ति है, वो जागरूक करने के बाद में आपको महसूस होती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ आपकी शुद्ध इच्छा के ऊपर वो सभी ग्रंथों में लिखा है कि आपको द्विज होना पड़ेगा, द्विज बोले तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जो हम जीते हैं वो थ्री डायमेंशनल वर्ड जो होता है, हम एक दूसरे को नाम से जानते हैं, शरीर से जानते हैं, वो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन आपके अंदर का जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो जानने के लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा। खुद को समझोगे तो वो परमेश्वर का जो है प्रतिबिंब है या आत्मा का जो मिलन होता है परमात्मा के साथ, जो ग्रंथों में लिखा है, जो सब संतों ने बोला है, वो जो मिलन होता है, वो मिलन होने के बाद में आपको ये जो फिल्म का जो मिराकल का जो पार्ट है वो समझ में आएगा। क्यों मिराकल होते हैं, हम मूवी में देखते हैं या संतोष माँ में देखते हैं, अलग अलग साहिब बाबा की मूवी देखते हैं, मिराकल्स होते हैं, वो चमत्कार लोग चमत्कार की तरफ देखते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा साइंस के ऊपर, जो हमारा फिजिक है, शरीर है, उसके अंदर जो तत्व है, उसका जो प्रिंसिपल है, फाइव एलिमेंट्स के ऊपर जो बेस के ऊपर जो तत्व बना है हमारा, जो वो हमारे जो गुरु है श्रीमती निर्मला जी, उन्होंने इतने अच्छे से सिंपल आदमी को भी उसका उसमें एज फैक्टर है, उसमें कोई जात का कोई क्या अपील करना चाहेंगे, और डॉक्टर से क्या अपील करना चाहेंगे, जो स्पिरिचुअल अध्यात्म जानते हैं उनको पता है कि ये तत्व के हिसाब से हमारा शरीर बना है, जो पांच एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स के ऊपर हमारा जो शरीर बना है, लेकिन उसका जो डिसबैलेंस होता है, अगर पानी का तत्व अगर कमती हो जाए तो सूखा पड़ता है, समझिए ना, तो वैसे हमारे शरीर में जो तत्व है, तत्व के हिसाब से हर एक जो अवयव है वो चलते हैं, वहाँ का जो फंक्शन होता है वो तत्वों के ऊपर पड़ा, जो पांच तत्व उसके ऊपर जो पूरा बेस है, वो पूरे ग्रंथ में जो लिखा है, वो अगर अपने डिसबैलेंस होता है तो हमको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, सोशल हो, पर्सनल लाइफ में हो, जो भी है, यूनिवर्सल हो, लेकिन यूनिवर्सल को एक जो सभी संतों ने बोला कि उसको आपके लिए आपको पूरे विश्व को कुटुंब में बनना पड़ेगा, जो प्यार की शक्ति, प्रेम की शक्ति है, वो अगर आप में जागरूक नहीं है तो फिर एक दूसरे को आप पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए तो हम इनसिक्योर फील करते हैं आजकल, वो तत्व हम में से निकल गया है, हम खाली बहुत ही फिल्म में आपके रोल है, किरदार उनके बारे में बताइए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। के बाद जो लोग रिस्पॉन्स देंगे या इसका क्या प्रभाव होगा वो देखने वाली बात है। और ये इसकी प्रभाव जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह पर ये लग चुका है और उसका प्रभाव हो चुका है, हाउसफुल हुई है और शहर दर शहर लगना शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। ऑलमोस्ट वी आर कवरिंग मध्य प्रदेश वेरी वेल,
एंड बीइंग ए प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस फिल्म, कुछ ढाई बरस से हमारी प्लानिंग चली और मैं ग्रेजुएट से हूँ। और जो महेश भैया ने जो बताया क्या मिराकिल होता है अपनी अंदर की जो जागृत होती है, वो मिराकिल मुझे सहजोग पता नहीं था और मिराकिल मेरे साथ घटित हो गई। और मैं खुद एंटरटेनमेंट स्पेस से आता हूँ और तब से हम सहयोग में लगे हुए हैं। और आज के टाइम पे जिस तरह का कंटेंट बन रहा है, कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ इथिक्स वाली बात नहीं हो रही है, हम समाज को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे आज के कंटेंट के थ्रू, तो ये जो फिल्म जो है गृहलक्ष्मी, ये ऐसा चीज़ है, एक नींबू की तरह है और जो पूरा सा एंटरटेनमेंट अगर मिल्क है तो ये ऐसा रोकने की कोशिश करें सही बन जाएगा। ओके, वी हैव टू वी वॉन्टेड टू कंटेंट शिफ्ट। जो कंटेंट चल रहा है, मैं खुद ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाराज हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ क्या करी जाए कि एक सत्य की बात हो और एक नई चीज आरंभ हो। शायद इस तरह की फिल्में और भी लोग बनाएं, साफ सुथरी फिल्में बनाएं और लोग जब देखें उनका मन जो है चंगा हो और घर जाएं और एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने का जो है शुरुआत हो। इसलिए हमारा फाउंडेशन का नाम है ह्यूमन फाउंडेशन। अपील ये है कि आप इसको देखें, दूसरे लोगों को बताएं कि इसको देखना है और इस फिल्म को लेट द फिल्म ग्रो, पैन इंडिया ग्रो हो और एक लोगों को नई बात जो रियली सत्य है हमारे अंदर है, वो सत्य के विषय में पता चले। और वो सत्य को बताने के लिए हमने एक बहुत सीधी सी स्टोरी ली, बहुत सिंपल स्टोरी ली, टू मेक द स्टोरी ए कैरी और टू डिलीवर द मैसेज। ओके, थैंक यू। मैं एक सहयोगी हूँ और 1998 से मैं सहयोग कर रहा हूँ। मेरा नाम अनिल सेठ है, मैं फ्रॉम बॉम्बे एंड आई एम ए बिजनेसमैन। एक्चुअली मैं इस संस्था से काफ़ी साल से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। स्पिरिचुअली तो हमें मिला ही है लेकिन आध्यात्मिक के साथ साथ हमको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हुए हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो फिल्म है गृहलक्ष्मी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। हम सबके घर में जो गृहलक्ष्मी तत्व होता है, जैसे हमारी माता है, बहनें हैं, उनके ऊपर ये फिल्म बनी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इसमें ये बताया गया है, दिस इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, खाली एंटरटेनमेंट नहीं है ये, आप एंटरटेनमेंट के साथ में परमात्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंटरटेनमेंट तो हमने बहुत देख चुके हैं, बड़े बड़े स्टार को देख लिए, मल्टी स्टार को देख लिए, लेकिन इसमें कोई मल्टी स्टार नहीं है। लेकिन इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो आपको जो फील होता है, ये महसूस होता है, जो अवेयरनेस है, जो आपके अंदर जो प्रकाश है, ये आपको ये फिल्म के अंदर मालूम पड़ता है। कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे स्पिरिचुअली और हम संसार में रह के हमारा जीवन भी हम सफल कर सकते हैं और आध्यात्मिक शक्ति जो हमारी कुंडलिनी माँ है उसको कैसे पा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके लिए हम सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का शुक्रगुजार हैं, ऑडियंस का भी हैं, जो ऑडियंस यहाँ पे आने वाले हैं, ये बहुत ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है। हम भी उनको बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो लोग यहाँ पे फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं और ऐसा एक्सपीरियंस जो है ये पहले कभी नहीं हुआ होगा किसी फिल्म में, ये पहली बार थिएटर में रिलीज हो रहा है, तो आई थिंक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेडिटेशन मीन सहज, जो अपने साथ जो आई हुई जन्मजात आई हुई शक्ति का योग होना मीन सहज। अभी सब लोग, हम लोग जो छोटे, हम लोग को छोटे बच्चे के जैसा होना है, किसी को मालूम नहीं है कि मुझे माँ बोलती है ये गणेश है, बच्चा बोलते हैं हाँ ये साईं बाबा है, हाँ बोलते हैं, बराबर है। तो हम लोग छोटे बच्चे के, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, ऐसे करके रहना है। और जो अपने अंदर जो शक्ति आई है उसका भगवान के साथ जुड़ जाना, वही सहज योग है। हम लोग भगवान को, गणेश को जाके पूजा करते हैं और बाहर निकलते हैं, मगर जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आपके अंदर की जो शक्ति जो है वो शक्ति जागृत हो जाती है, पावरफुल हो जाती है और स्पार्क हो जाती है और गणेश तत्व आप में स्थित हो जाता है। ऐसे अपने सात चक्र जो है, तो सात चक्र में हर एक देव देवता है, वो पूरे देव देवता अपने शरीर में जागृत हो जाती है और हम लोग वो शक्ति अपने में स्थापित हो जाती है। और हम लोग जो गणेश ने काम किया वो, ये जो सहज योग है वो खुद
श्री माता जी के साथ कम से कम 34 वर्ष एसोसिएटेड रहा हूँ सहज योग मेडिटेशन से, और उनसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैंने ये फिल्म लॉन्च करी है, गृह लक्ष्मी द अवेकनिंग। इसमें मेडिटेशन कैसे इंट्रोडक्शन है श्री माता जी की अपनी आवाज़ में, और एक सुंदर सी कहानी को पिरो के दो लड़कियों की, उसमें इसको बताया गया है कि कैसे ध्यान धारणा से इंसान अपने मानसिक स्थिति से पे काबू पा सकता है और अपने आप को शांति प्रदान कर सकता है। तो ये हर इंसान का ये उस फिल्म को देखने के बाद एक प्रश्न उठेगा, क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। ये एक पॉजिटिव फिल्म है, आजकल की नेगेटिव फिल्म्स को थोड़ा सा हट के हम लोगों की दृष्टि पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छाई की तरफ लाना चाहते हैं। ये हमारा मोटिव है फिल्म बनाने का, और ये हमारी कशिश है जो फिल्म में एक्टर का रोल किया है इन्होंने, शीतल का। मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ बोलें अपने तजुर्बे के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था फिल्म में। मैं सहजयोगी नहीं थी फिल्म करने से पहले, आई डोंट नो कैसे मैं इस फिल्म में आई, बट आई थिंक ऊपर वाले का और श्री माता जी का आशीर्वाद था कि मुझे ये फिल्म मिली एंड मैंने इस फिल्म में काम किया। अब मैं भी ध्यान करती हूँ, मैं भी सहजयोगा सीख रही हूँ, आई थिंक मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं। एंड इस मूवी के थ्रू मैं बहुत प्यारा सा मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को कि आई थिंक आज की जनरेशन, अगर बच्चे भी ये सब करने लगे रहेंगे तो आगे जाके आई थिंक प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आजकल की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारी जनरेशन के साथ वो माइंड से रिलेटेड है, हम लोग के तनाव रहता है, बहुत टेंशन रहती है। तो आई थिंक अगर बच्चे अभी से स्टार्ट करेंगे तो आने वाली जनरेशन में ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। सो आई थिंक ये मैसेज मैं अपने थ्रू कि मुझे इस चीज़ का बहुत हेल्प मिला तो लोगों को भी मिला। आई एम ग्लैड आई वर्क ऑन दिस। फिल्म के पहले और इस फिल्म के बाद आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया? इस फिल्म से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे चीज़ें सोचना, ठहराव नहीं रहना ज़िंदगी में। इस इंडस्ट्री में हूँ, इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारी नेगेटिविटी होती है आपके आसपास, स्पेशली अगर आप एक्टर हो, कभी आपको मौका मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, तो उस समय अपने आप को किस तरह से शांत रखना है और आगे बढ़ना है, आई थिंक वो सहज होगा मेडिटेशन की वजह से आई थिंक बहुत हेल्प हो जाता है मुझे। मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, आई एम पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, सो आई थिंक दैट्स बिकॉज़ ऑफ श्री माता जी एंड दिस फिल्म। जैसे बूंद एक सागर से मिलती है, वैसे एक इंसान का परम चैतन्य के साथ संपर्क होता है जो हमारे से आज तक वंचित है, और जैसे ही हम उस परम चैतन्य को अपने अंदर आने देते हैं इस ध्यान के द्वारा, तो हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है, हमारे अंदर की गंदगी धुलने लग जाती है, हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, हम गलतियों से वंचित हो सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं और लोगों में खुशी बांट सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फिल्म का संदेश है, शुरुआत है कि ये संदेश हम सब तक लेके जा, आप भी इसमें आए। जो भगवान को नहीं मानते कम से कम अपने आप को तो माने, क्योंकि ये शक्ति ऐसी है कि आपके अंदर की शक्ति है, और इस शक्ति को महसूस, आपको ये जानना है कि कौन चलाता है इस दुनिया को, या आप चलाते हैं, क्या पौधा खुद ही पैदा हो गया? क्योंकि उसको, हाँ देखिए, ये फिल्म जो है मैंने 1200 फिल्में रिलीज़ करी है, पर यह फिल्म अपने आप में एक निराली फिल्म साबित हो रही है। जो अटक से लगाकर कटक तक और कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक हमने जहाँ भी रिलीज़ करते जा रहे हैं, एक नया हमें अनुभव होता जा रहा है, एक नया चीज़ देखने को मिल रही है। माता जी कैसे कर्तव्य दिख रहे हैं, ऐसे चमत्कार दिख रहे हैं कि जहाँ पर कि लोगों ने आज फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े से बड़े कलाकार, अदाकार, फनकार, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, उनकी 3 दिन में फिल्म उतर जाती है। आज श्री माता जी की ऐसी कृपा है कि गृह लक्ष्मी इंदौर के अंदर 4th हफ्ते में चल रही है, तो जहाँ भी लगती है वहाँ हाउसफुल के नज़ारे आ रहे हैं। आज बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पहला शो हुआ है, और यहाँ पर गेटी गैलेक्सी के जेम के अंदर ये पहला शो फुल है, और हुमा जो कार्निवाल है उसको भी पहला शो फुल है। तो ये बोलते ना, पूछ के पग पालने में नज़र आते हैं, न्यू बताती है कि इमारत बड़ी बुलंद बनेगी, बोलते हैं कि टेलर अभी टेलर है बेटा, पिक्चर बाकी है। तो हमको देखने को मिल रहा है कि ये पिक्चर में जो है वास्तव में फिल्म को
कुछ कर दिखाने लायक है और ब्लॉकबस्टर हो रही है। मुझे आज से 40 साल 30 साल पहले का अनुभव आता है जब श्री संतोष सिम्हा रिलीज हुई थी, दिखता है कि ये फिल्म वापस वही संतोष सिम्हा का इतिहास रचेगी। ये सिर्फ श्री माता जी की कृपा है। वो बोलते हैंगे कि सारे तीरथ बार बार श्री माता जी की, गृह लक्ष्मी एक बार। उतना पुण्य मिलता है उन दर्शकों को, उतना उनको पुण्य लाभ मिलेगा जो सारे तीर्थों का पुण्य मिलता है। देख करके उन दर्शकों को धन्य हो जाएंगे कि गंगा भैरी हर व्यक्ति को, हर दर्शक को सिनेमा हॉल में आकर के फिल्म देखकर और आत्म साक्षात्कार लेकर सहयोग से जुड़कर श्री माता जी के सपनों को साकार करें। यही हमारा निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही विनती है। शॉर्ट फिल्म एक बना रहे हैं बोल के बोली और उस हिसाब से मेरे पास ये फिल्म आई। काम जब शुरू किए धीरे धीरे बढ़ता गया फिर काम फाइनली एक फीचर फिल्म का शेप लिया। और हमारा बेसिकली जो उद्देश्य था इसमें माता जी का संदेश कैसे राइट तरीके से इफेक्टिवली सभी डिसाइपल जो हैं, जो मतलब डिवोटी जो हैं सारे उनके पास पहुँचे और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कहानी आगे कंप्लीट किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोजेक्ट को आपको करने में, क्या क्या तकलीफें आई और क्या क्या? एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि जैसे बहुत सारे फिक्शन फिल्म करते हैं, डॉक्यूमेंट्री करते हैं, उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये अलग किस्म का था। स्पिरिचुअल एक उद्देश्य था यहाँ पे, तो वो जो संदेश था लोगों तक पहुँचाने का वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था और विदाउट डायल्यूट करके सीधा कैसे संदेश पहुंचे लोगों को, इसका कोशिश किया हमने। तो कहीं कहीं पे जैसे माता जी के शॉट्स वगैरह वो सारे मिले नहीं, तो हम फाइल फुटेज से लिए और फाइल फुटेज से इतने अच्छे अच्छे हमको मैसेज मिले जो फिल्म में एप्टली फिट हो जाता है और संदेश को अपने कहानी का उसके साथ फिट होगी बहुत बढ़िया तरीके से लोगों अपने वीडियो एडिट किया। देखा जाए तो लोकेशन कहाँ का था? लोकेशन दिल्ली आश्रम का था, प्लस जो एक हॉस्पिटल का है और एक घर जहाँ पे लिए थे वो कैरेक्टर्स के उस हिसाब से वहाँ का लोकेशन था। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने कोशिश किया है माता जी का संदेश आप तक पहुँचाने के लिए। देखिए और आगे जुड़िए। मेडिटेशन जो है हर किसी का भला ही करता है, तो उस भाव से जोड़िए, यही मेरा कहना। थैंक यू। फिल्म प्रोड्यूस की है अंडर माय बैनर प्रोडक्शन, शुरू किया किसने तो लास्ट वीक